डॉक्टर पूरा तो करना पड़ेगा, ये क्या मतलब है। न्यू ब्लॉग। ओके सो फाइनली कल है करवा चौथ और आज है उसका पहला दिन, आई मीन सैटरडे। सो यस, बहुत सारा काम है आज के दिन में, बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है, बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी है, प्लस कल सुबह भी उठना पड़ेगा। सो आज के दिन में मेरे पास बहुत सारे काम हैं। एक हाथ में मेहंदी ऑलरेडी मैं कल लगा चुकी हूँ, बिकॉज मुझे पता था कि मैं छोटी छोटी चीज़ों में आजकल थक जाती हूँ। सो या इसमें मैं मेहंदी खुद ही लगा चुकी हूँ, और इसमें मैं एक्चुअली, अगर आप मुझे फॉलो करते आ रहे हो तो आपको पता होगा कि मैं उल्टे हाथ से लगा लेती हूँ बहुत ज़्यादा टाइम खींच के। बट मैं सोच रही हूँ कि इस बार मैं इस हाथ में कार्तिक से मेहंदी लगाऊं। जब मेरा फर्स्ट करवा चौथ था ना, तब भी उसने मुझे आलता लगा दिया था एक हाथ में। सो देखते हैं क्या होने वाला है। उसको वैसे तो कोन पकड़ना ही नहीं आता है, बट मैंने उसको बोला है कि आड़ा टेढ़ा उल्टा सीधा घर पशु पक्षी जो भी बनाने आए ना, वो बना देगा मुझे। तो इसका तो काम बाद में देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं नहा तो चुकी हूँ लेकिन रेडी बिल्कुल भी नहीं हूँ। और इस वक्त मुझे जाना है रेडी होके मम्मी के साथ उसकी शॉपिंग के लिए। मेरी शॉपिंग थोड़ी बहुत हो चुकी है, थोड़ी बहुत बाकी है, लेकिन मम्मी के सब कुछ लेना बाकी है। सो अभी जाएंगे हम उसके लिए शॉपिंग करने, और शाम को जाएंगे मेरा जो कुछ भी बाकी है ना मार्केट का, लाइक करवा एंड वो ये छलनी वलनी सब कुछ बाकी है, तो वो सब लेके आएंगे। तो आज का दिन पूरा शॉपिंग वाला डे ही होने वाला है। सो पहले मैं रेडी हो जाती हूँ एंड लेट्स गो। ओके सो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं घर से, तो लेट्स सी। बहुत ज़्यादा धूप है यार बाहर, तो बहुत ज़्यादा धूप हो रखी है। और ये स्कूटी भी यहाँ पड़ी है, और इस पे पूरी दोपहर, मतलब हाँ अभी दोपहर ही है, तो जब से धूप आई है इस पे ही पड़ रही है। और इसकी सीट जो घरों में ना भैया, फाइनली वी आर हियर फॉर शॉपिंग। लेकिन अभी भीड़ कम है बिकॉज हम दोपहर में आए हैं, मौका देख के चौका मारा है हमने। हमारा सेकेंड डेस्टिनेशन जहाँ पर हम आ चुके हैं, और अभी यहाँ पे ऑटो वाले अंकल जो हैं बहुत सारे, वो लड़ पड़े थे एक साथ, पता नहीं क्या हुआ। तो पार्किंग भी नहीं मिली है क्योंकि वो जगह घेर के खड़े थे। ओ राम, इनकी ट्रे टूट गई। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं ओपन मार्केट में, एंड यहाँ पर लस्सी करवा और सब लेके बैठते तो थे, पर मिलेंगे कहाँ पता नहीं। हल हो गई है, इतने थक गए हैं अब तो। अभी और भी भीड़ कम है, थोड़ी देर में इस रोड पे आपको रोड दिखेगा ही नहीं। चल कितना का आंटी? 40 का है। कम नहीं करोगे? 35 लगाएगा। तो नवरात्रि के बाद पूजा को स्ट्रीट फूड खाने का हुआ, और मोमोज खा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छे मोमोज बनते हैं यहाँ के। मोमोज पूजा ने एक बार ही खाए, एक्चुअली पूजा ने मोमोज ही लाइफ में एक बार खाए, क्योंकि वो पहले ये सब चीज़ें चाइनीज़ नहीं खाती थी। और दिवाली का मौसम आ चुका है तो ये डिमांड जगमग हो चुका है। ये पूजा ज़िंदगी में दूसरी बार मोमोज खा रही हैं, पहले ये चाइनीज़ फूड नहीं खाती थी कुछ भी तरह का, और अब इसको आजकल चाइनीज़ ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। फ्राइड राइस, मंचूरियन, मोमोज़,
ये सब अच्छे लगने लगे हैं। कैसा लग रहा है टेस्टी? बहुत मस्त। और अब मोमोज खाने के बाद सेवन टेस्ट पानी पूरी, नवरात्रि के पूरे उपवास की कसर निकाल लड़की। और कंडीशन भी बहुत हैं कि ठंडा नहीं होना चाहिए, बर्फ़ वाला पानी नहीं होना चाहिए, इतनी सारी कंडीशंस हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हेलो, सो पूरे दिन की थकान के बाद एक्चुअली थकान बहुत ज़्यादा लग गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा घूमे हम बहुत ज़्यादा, और अभी जस्ट हम आए और उसके बाद मैंने मम्मी को मेहंदी लगाई, उतना ही टाइम हुआ है। तो मम्मी को मेहंदी मैंने दोनों हाथों में लगाई है, उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया और मैं बहुत ज़्यादा थक गई और कमर भी बहुत ज़्यादा दुख रही है। तो मैं अब यहाँ पे ऐसे रेस्ट करने वाली हूँ, इस हाथ में लग चुकी है और अब इस हाथ में मेहंदी लगाने की बारी आई है कार्तिक की। अभी बजे हैं रात की आई थिंक 11 कुछ, तो अब उसको भी आलस तो आ रहा है लेकिन लगानी तो पड़ेगी। वैसे वो गया कहाँ है, कहाँ घूम रहे हो? बस आने की तैयारी। जीन्स पहन के कौन सोता है? दिमाग खराब मत करो और चुपचाप ये मेहंदी लगाना शुरू करो, सो गए तो देख मार खाओगे। कौन से बड़े पहाड़ उठा लिए हैं, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। एक तो आज वीकेंड है, सैटरडे पड़ा है बीच में, ऊपर से घूमे तो पूरा दिन मैं और मम्मी हैं, तो कौन से पहाड़ खड़े किए? पहाड़ खड़े करने के अलावा भी थकान भरे कार्य होते हैं इस दुनिया में। क्या किया? वेब सीरीज देखी होगी एक आधी, क्योंकि हम दोनों थे नहीं तो टीवी पे मजे पड़ गए होंगे। कोटा फैक्ट्री सीजन 2, वाओ, उसके 3 एपिसोड देखे। इंसान बहुत थकता है उससे, और 2 एपिसोड देखने और भी रह गए। वाह, क्योंकि हम जल्दी आ गए। कितना वाहियात इंसान है ये। तो शाम को 6 बजे से मैं इसके पीछे पड़ा हुआ हूँ कि मैं मेहंदी लगा देता हूँ, मेहंदी लगा देता हूँ। एक्सक्यूज मी, पर हम लोग बाहर गए थे, ये सुबह से बाहर गए थे शाम से, फिर अभी हम लोग कहीं गए हुए थे, तो उसके बाद से हम लोग आए और कम से कम 1.5 घंटा हो चुका है। मैं कब से वेट कर रहा हूँ, मैं बता चुकी हूँ मैंने 1.5 घंटे में क्या किया है वो। तो अब मुझे नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, और फिर भी ये कृत्य मेरे को करना पड़ रहा है। इसको कृत्य ही बोलूँगा क्योंकि अच्छा काम है, खराब तो नहीं है, तो कुकृत्य तो नहीं है पर कृत्य है। इतने आलसपन में आके करना पड़ रहा है, रात को 12 बजे ऑलमोस्ट 11:30 से ज़्यादा हो चुके हैं तब करना पड़ रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये मुझे कहीं से भी आलस नहीं लग रहा है, क्योंकि मेन पॉइंट ये है कि इस आदमी ने आके जीन्स भी नहीं निकाला है, सीधा कंटेंट देखने लग गया था। मैंने 1.5 घंटे में जो काम किया ना, इसने 1.5 घंटे में कंटेंट ही देखा। कुछ कंटेंट नहीं, कितना भी छोटा।
पूरा तो पढ़ना पड़ेगा, ये क्या मतलब है? कैसे पकड़ लिया था ये देखो क्या? ये काजू कतली भर दो। ऐसे पॉइंट पॉइंट रखो। आज के दिन में 4 ड्रेस बदल दिए हैं। किसने? आपने। ये हमारा रात्रिकालीन। ओके सो फाइनली सब छोड़ो, दिख ही नहीं रहा है। ये हमारा रात्रिकालीन ड्रेस है। मेरे को फुटेज से बाहर कर रही है तू? रात्रिकालीन ड्रेस, मच्छर मारो चुपचाप। तो ये दिख ही नहीं रहा है। मेरे को बहुत अजीब सा इरिटेट होने लगा था क्योंकि मुझे नींद आ रही थी, तो ये लगभग सूख भी गया था, तो फिर मैंने इसको निकाल दिया क्योंकि मेरे को मेहंदी के साथ कभी नींद नहीं आती। पर ये दिख ही नहीं रहा, अब दिख रहा है। ये मकड़े का जाला, कल तक रेड कलर के मकड़े का जाला बन जाएगा, अभी के लिए येलो है। हाँ देखा, आवाज़ आई ना, मैं बोल रही हूँ मच्छर हैं। यही हैं, दो तीन हैं। हैं इधर मेरे पीछे भी हैं, मिलेंगे देखना। पर्दे के पीछे छुप जाते हैं। अभी इस जाली में घुसे हैं, मैंने मेहंदी निकालने के लिए जाली खोली थी। आपके क्या है, कड़वे लोगों को और कड़वे ब्लड वालों को क्या है, मच्छर नहीं काटते? ब्लड कड़वा ही होना चाहिए, अगर मीठा हो जाए तो आपको डायबिटीज। मीठे लोगों को काटते हैं, हम लोग खाने में भी मीठा ज़्यादा खाते हैं और ऐसे भी मीठे, जिंदगी में भी बहुत मीठे हैं। मीठे रस से बरियोनी राधा, जाके जरे स्ट्राइक मत भेजना। पूरा तो कर देते भजन। हाँ कॉपीराइट आ जाएगा भैया। ये इधर है मेरे पैरों के पास मच्छर। ओके सो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा ऐसे थकान भरा रहा। मेहंदी लग भी गई दूसरे हाथ में, मैंने मेहंदी निकाल भी दी और अभी एक्चुअली मैं करवा चौथ चालू हो गया क्योंकि 1 बज गया है, तो अब सो जाना चाहिए क्योंकि कल मॉर्निंग में भी उठना है सरगी एंड ऑल, और पता नहीं कैसे होगा। सो मिलती हूँ कल। खांसी भी बहुत आ रही है, इतना थक गई हूँ मैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और मिलूँगी कल। तब तक के लिए टाटा, गुड नाइट बाय। फिर मिलेंगे। I'd rather be in here with you. That's all I